हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शफाकत अली, आप देख रहे हैं शफाकत टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर बैठे इजी पैसा एप्लीकेशन के जरिए पे कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, आप घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए आपको उसके रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने इजी पैसा की एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, आपने अपनी पिन इंटर करके लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बिल पेमेंट, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास बिल्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका टेलीफोन का बिल है, गैस का बिल है, तो यहाँ पे सारे के सारे बिल्स की लिस्ट अवेलेबल है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी कंपनीज शो हो जाएंगी, जितने भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो यहां पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैं लेस्को सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास नीचे शो हो रहा है लेस्को, मतलब कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आपके बिल के ऊपर बड़ा सारा मैंशन होगा, कंपनी का नेम शो हो रहा होगा, आपने वो सर्च कर लेना है, चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस नंबर देना है, ये रेफरेंस नंबर 15 करेक्टर पे मुश्तमल होगा। आपने अपने बिल पे रेफरेंस नंबर का बॉक्स सर्च कर लेना है, वहाँ से आपने रेफरेंस नंबर कॉपी करके यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना रेफरेंस नंबर ऐड कर दिया है, मैं इसे हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके बिल की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, मतलब कि आपका बिल जिस बंदे के नाम पे है वो कंज्यूमर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, बिल की ड्यू डेट भी शो हो जाएगी और मंथ भी शो हो जाएगा। नीचे हमारे पास टोटल अमाउंट शो हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,038 रुपये हमारे पास बिल की ड्यू पेमेंट है। तो यहाँ पे मैं पे इन फुल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये वार्निंग दे रहा है कि क्या आप वाकई ही पे करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपने सारी डिटेल चेक कर लेनी है, कंफर्म कर लेना है कि ये बिल आपका ही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने पे नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा कि मतलब कि आपका बिल पे हो चुका है। अगर कोई एरर आता है, कोई मसला आता है, तो यहाँ पे आपको एरर भी शो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस बैक टू होम पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गई होगी। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो हमारी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो चुकी है, मतलब कि हमारा बिल जो है वो पे हो चुका है। तो इस तरह से आप इजी पैसा की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर बैठे पे कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं, आप गैस का बिल भी पे कर सकते हैं, दूसरे बिल भी पे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।